आप अंदाजा लगाइए कि कौन है लड़की। सिर्फ 19 साल की खूबसूरत पढ़ी लिखी बीकॉम की छात्रा। आप सोच भी सकते हैं कि इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया होगा। इसके दोनों हाथ काट दिए गए होंगे, जिसके हाथ कुत्ते नोच रहे होंगे, और इसको किसने मारा यह भी 1 साल तक किसी को पता नहीं लग पाया हो। आप सोचकर भी सिहर जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि इस मासूम लड़की के साथ, जिसने अभी अपनी दुनिया देखनी समझनी शुरू ही की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ यह दुर्दांत कृत्य करने वाला कौन निकला? जी हाँ, इसका प्रेमी। प्रेमी भी वो जिसने अमन बनकर इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, जो था असल में शाकिब खान। और उस पर किसी को शक न हो तो उसने अपनी प्रेमिका का एक फोन तो एक्टिवेट रखा। उसकी डीपी समय समय पर बदलता रहा, व्हाट्सएप चैट चैट करता रहा, साथ ही उसका फेसबुक पेज भी अपडेट करता रहा। शाकिब खान को इस वीडियो में देखिए, जो उसने सोशल मीडिया ऐप पर बीते साल सितंबर में अपलोड किया था, जबकि उसने अपने प्रेमिका एकता जसवाल की हत्या बीते साल ईद के दिन मई में कर दी थी। यह भोला चेहरा बन वीडियो में साफ बता रहा है कि उसने अपने प्रेमिका एकता की हत्या का कोई गम नहीं है। वह अपने दूसरे शिकार पर है और अपने आप को निरीह परेशान बताकर, ताकि कोई लड़की, भोली वाली भाली लड़की उस पर दया दिखा दे और वह एक बार फिर से अपने शिकार को अंजाम दे। अमन उस साकिब खान को मेरठ पुलिस ने बीती 2 जून को गिरफ्तार किया। इसके साथ उसके पिता मुस्तकीम, भाई मुसर्रत, भाभी रेशमा, इस्मत और दोस्त अयान को गिरफ्तार किया। यह एक ऐसा घिनौना हत्याकांड था जिसका कोई और छोर नहीं था। मेरठ पुलिस को 13 जून 2019 को दोराना थाना क्षेत्र के लोहिया गांव में कुत्ते को इंसान का हाथ नोचने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के खेतों को खुदवाया तो वहां एक सिर कटा नग्न धड़ बरामद हुआ, जिसके हाथ भी कटे हुए थे। पुलिस ने काफी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने जानकारी जुटाई कि लोहिया गांव से कौन कौन बाहर काम करने के लिए गया हुआ है और कहां गया है। साथ ही यह भी पता लगाया कि लोहिया गांव में उस दौरान कितने फोन एक्टिव थे और उनमें से कितने फोन अचानक बंद हुए। बिंदुओं को मिलाते मिलाते पुलिस को जानकारी मिली कि साकिब खान लुधियाना में तांत्रिक का काम करता है। साथ ही जो एक फोन अचानक बंद हुआ था वो भी लुधियाना से ही था और वो एकता का था। मेरठ पुलिस लुधियाना पहुंची, एकता जसवाल के माता पिता से मिली, जो वहां टैक्सी का व्यवसाय करते थे। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को अमन नाम का एक युवक पिछले साल बहला फुसलाकर ले गया और एकता अपने साथ 15 तोला सोना भी चुरा कर ले गई थी। पिता ने बच्ची की व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक अपडेट भी बताए कि वो तो जिंदा है। जिस धड़ वाली लाश की मेरठ पुलिस छानबीन कर रही है उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। मेरठ पुलिस लौट आई, उन्होंने अमन के फोटो को लेकर लोहिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करवाई तो पता चला कि यह जनाब अमन नहीं है, शाकिब खान है। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की कि वो लुधियाना से बीते साल मई में अचानक क्यों घर चलाया। पहले तो वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके पैच टाइट किए तो उसने सब राज उगल दिया। और इसमें इसका पूरा घर शामिल था, साकेब, इसका पिता, इसका भाई, इसकी भाभी और इसकी भाभी है। पूरी स्टोरी जो है महिलाओं ने कहा, 19 की थी ना, 19 वर्ष बच्ची की एज है, बीकॉम की हुई थी। और ये शाकिब अपने साथ लेके आया था बच्ची को। ईद वाले दिन जो है ये इसको रिकॉर्डिंग है। अमन उर्फ साकिब खान ने बताया कि वह स्कूल ड्रॉप आउट है, लुधियाना बस स्टैंड पर ताबीज और तंत्र मंत्र का काम करता था। एकता पढ़ाई के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वह अक्सर बीमार रहती थी। अच्छे जॉब और बीमारी के उपचार के लिए वह उसके पास जनवरी 2019 में आई थी, और तब अमन उर्फ शाकिब ने अपनी शातिराना चाल चली, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया और फेसबुक चैट और फोन पर लंबी बातें कर उसने एकता को 4 महीने में ही अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। हालात यह हो गए कि मई 2019 में एकता हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अपनी बुआ के यहाँ शादी के कार्यक्रम में गई और वहां से 15 तोला सोना चुराकर सीधे अमन उर्फ शाकिब के पास आ गई। वे दोनों वहां से मेरठ के दोराला में आ गए और किराए के मकान में रहने लगे। 1 महीने बाद ईद के दिन अमन उर्फ शाकिब खान उसे अपने गांव लोहिया लाया। यहां आकर एकता को पता चला कि अमन अमन नहीं, शाकिब खान है।
उसने उसे धोखा देने के लिए उसके साथ झगड़ा किया। अमन उर्फ साकी खान ने ईद के अगले ही दिन अपने घर वालों के साथ मिल एकता को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर उसे पिला दी गई। बेहोश होने पर उसके परिवार वाले रात में उसे पास के खेत में ले गए। उसकी भाभी रेशमा ने उसके कपड़े उतारे। अमन उर्फ साकिब खान और उसके भाई मुतस्सर ने उसका सिर और हाथ धड़ से अलग कर दिए। हाथ इसलिए अलग किए क्योंकि एक हाथ पर एकता ने ए यानी अमन खुदवाया हुआ था। अमन उर्फ साकिब ने एकता के सिर को ईंट से बांध गांव के तालाब में फेंक दिया और धड़ को खेत में ही नमक डालकर दबा दिया ताकि वह जल्दी से गल जाए और हाथों को दूसरी जगह गाड़ दिया। वो तो कुत्ते ने जमीन में गड़े हाथ को बाहर निकाला तब जाकर यह गुत्थी सुलझ पाई। हालत यह थी कि हत्या के बाद शाकिब और उसका परिवार सामान्य जिंदगी जीने लगा ताकि उन पर किसी को शक न हो। अमन उर्फ शाकिब खान हरियाणा के शहर करनाल में जाकर तंत्र मंत्र का काम करने लगा ताकि किसी दूसरे शिकार किया जा सके। सोशल मीडिया पर अपलोड शाकिब के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं एकता की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं भी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई की शर्म आई की शर्म। अमन उर्फ शाकिब खान कितना शातिर है, मेरठ पुलिस ने 2 दिन पहले 2 जून को गिरफ्तार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही थी तो उसने एक सिपाही का रिवॉल्वर छीन उस पर ही गोली चला दी और खेतों की ओर भाग गया। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी की और 20 मिनट तक चली मुठभेड़ में उसे धड़ दबोचा। उसे पैर में 3 गोलियां लगी। हम अपने दर्शकों से खास तौर पर लड़कियों को यही आगाह करना चाहते हैं कि हर खूबसूरत चीज, एहसास और पल जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, अक्सर यह धोखा ही होता है। क्योंकि मोर कितना भी खूबसूरत होता है लेकिन वह खाता सांप को ही है। ऐसा ही सूचनाप्रद खबरों को हम आपके पास लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज़।